अरे कभी गाजियाबाद कपड़े उतार दिए जाते नर्सों के सामने, कभी इंदौर के अंदर मानव बम घुमाए जा रहे, हमला हो रहा है डॉक्टरों के ऊपर, कभी मुरादाबाद के अंदर डॉक्टरों को पीटा जा रहा है। ये कौन है हवा फैलाने वाले? हम जमाते की कितनी देर तक बहस करते रहेंगे? हमारे जो मौलाना साहब है, हमारे जो धर्मगुरु हैं, ये कब ऐलान करेंगे कि जो ऐसा व्यक्ति करेगा उस तो सख्त सख्त उनकी कौम सजा देगी। संकट की इस घड़ी में, अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। आज यही हमें मृत्यु से बचा रहे हैं। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। एम्बुलेंस आई, लेकिन इससे पहले लोग इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। वो लोग आके गाड़ी में बैठ गए, इतनी देर में पथराव शुरू हुआ, उन्होंने एम्बुलेंस पर पत्थर फेंके, उन्होंने हम मुझ पर हमला बोल दिया। इतनी देर में कहीं से एक बड़ा सा पत्थर मेरे आके मुंह पर लगा तो मैं गिर गया। जी हाँ, डॉक्टर्स पर हमले का, पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल आप कह सकते हैं। ताल ठोक के कश्मीर मॉडल है ये पत्थरबाजी का। मतलब कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट डॉक्टर्स, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट डॉक्टर्स। ये जिस तरह की पत्थरबाजी की तस्वीरें आ रही हैं आपने कश्मीर में देखी थी धारा 370 हटाने से पहले और उस दौरान, लेकिन ऐसी तस्वीरें मुरादाबाद में जब पत्थरबाजी हुई तो ये देखिए, ये बचकर निकल रहे हैं पुलिस वाले। ये बच, आप देखिए पत्थर वहां पर बरसाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ईंटे बरसाए जा रही है उन पर, और वो लकड़ी का कोई वो फट्टा सा है उसको अपने सर के ऊपर रखकर वहां से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मुरादाबाद से ये देखिए, ये मुरादाबाद से लेकर इंदौर तक पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल। ये कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी सुरक्षा बलों पर ऐसे ही, मतलब 370 हटने से पहले ऐसी तस्वीरें देश ने देखी कि किस तरह से सुरक्षा बलों पर, जो फ्रंट लाइन हमारे ऑफिसर्स हैं, उन पर पत्थरबाजी होती थी। डिबेट की तरफ रुख करेंगे। मैं सर राजीव प्रताप रूडी हैं, मिस बिट्टा हैं, मौलाना सैयद अल कादरी साहब हैं, डॉक्टर रवि मलिक हैं मेरे साथ, आईएमए के फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी हैं, शेख अलमुद्दीन असादी साहब हैं। एमएस बिट्टा, क्या इलाज क्या इनका, और ये कश्मीर, ये पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल ये मुरादाबाद तक पहुंच गया, इंदौर तक कैसे पहुंचा ये पत्थरबाज? आपको पता है अमन जी की, अभी एक तरफ कोरोना से डॉक्टर, पुलिस, आम पब्लिक, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, स्टेटों के चीफ मिनिस्टर कोरोना से लड़ रहे हैं, और एक तरफ पाकिस्तान से रोज अभी फायरिंग जारी है। हम कितने युद्ध लड़ेंगे? आप मुझे बताइए कि पटियाला के अंदर निहंग सिंह के रूप में 6-7 निहंग सिंहों ने एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया। पूरी दुनिया के अंदर सिख समाज ने, हिंदुस्तान के अंदर सिख समाज में उसी वक्त ये कहा, ये गलत है, इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और हमारे अकाल तख्त के जथेदार साहब रोज सुबह शाम गांव गांव में लंगर, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप मुझे ये बताइए हम जमाते की कितनी देर तक बहस करते रहेंगे? हमारे जो मौलाना साहब है, हमारे जो धर्मगुरु हैं, ये कब ऐलान करेंगे कि जो ऐसा व्यक्ति करेगा उस तो सख्त सख्त उनकी कौम सजा देगी, जैसे पंजाब के अंदर सिख समाज को अकाल तख्त सब सजा देते हैं। अरे कभी गाजियाबाद कपड़े उतार दिए जाते नर्सों के सामने, कभी इंदौर के अंदर मानव बम घुमाए जा रहे, हमला हो रहा है डॉक्टरों के ऊपर, कभी मुरादाबाद के अंदर डॉक्टरों को पीटा जा रहा है। ये कौन है हवा फैलाने वाले? रूड़ी जी ने क्या कहा, क्या कहा इन्होंने बॉम्बे के अंदर? कहां थी बॉम्बे की इंटेलिजेंस एजेंसी, कहां थी बॉम्बे की पुलिस, और कहां सूरत के अंदर कोई ना कोई इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की साजिश है? हिंदुस्तान में आग लग जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ठीक सर मारे जाए, पर कुछ नेता कोठियों में बैठ करके मजे ले और ये कहे नरेंद्र मोदी की मूवमेंट फेल हो गई, मेरा ये अनुभव है।
इसलिए बार बार जी न्यूज कहता है कि इनको सलाम कीजिए, इनके लिए तालियां बजाइए, ये हैं तो हम हैं, इनसे हमारा अस्तित्व है आज के समय में। और ऐसा नहीं है, ये भी मुस्लिम है, ये तस्वीरें देखिए, ये अमरोहा की तस्वीरें, ये भी तो मुस्लिम भाई हैं। देखिए जो कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसा रहे हैं, एक वो मुस्लिम भाई है जहां पर अटैक हो रहे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कहीं फूल बरसाए जा रहे हैं, कहीं पत्थर बरसाए जा रहे हैं। एमएस बिट्टा साहब, उसके बाद तारिक फतेह, एमएस बिट्टा साहब ये भी तो मुस्लिम भाई है ना, कहीं फूल बरसा रहे हैं, कहीं पत्थर बरसा रहे हैं, सोच सोच का फर्क है मेरे ख्याल से। बॉम्बे के अंदर एक मुसलमान भाई की डेथ हो गई, आप हैरान होंगे वहां पे ही कुछ मुसलमान भाइयों ने उनको दफनाने के लिए जगह नहीं दी, सरकार को फिर उनको अपना फैसला लेके उसका इंतजाम करना पड़ा। मैं बार बार एक बार कह रहा हूँ, रूड़ी साहब भी वही कह रहे हैं और डॉक्टर साहब भी वही कह रहे हैं और मोरिया जी भी वही, सब हम वही कह रहे हैं। अरे हमारे धर्म गुरु कहाँ हैं भाई, हम टीवी में तो बहस कर रहे हैं, देशद्रोही की जत्ता बात सुन लीजिए, हमने मानवता की रक्षा के लिए शरीर पे बम खाए थे और आज भी मानवता की रक्षा के लिए आप सब लगे हैं। अगर मैं कानून की उल्लंघना करता हूं अमन जी, मैं ठोक के कहता हूं, मैं देशद्रोही हूं, मैं मानवता का दुश्मन हूं, मैं अलानिया कहता हूं। अगर मैं कानून की धज्जियां गवर्नमेंट की उड़ाता हूं, जिस तरीके से जमातियों ने जगह जगह पे मानव बम फैला दिए, अब ये कहेंगे हम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। अरे मुसलमान वो भी हैं जिन्होंने कैंडल लाइट जगाई थी, मुसलमान वही हैं जिन्होंने घंटी बजाई थी, मुसलमान वही वो भी भाई हैं जिन्होंने पुलिस और डॉक्टरों के ऊपर, सफाई सेवकों के ऊपर फूल बरसाए थे। अरे पंजाब की उदाहरण ले लो, अकाल तख्त के जथेदार की एक हुक्म हुआ घर घर लंगर, हाथ काटा है पुलिस वालों का तो इसको सजा मिलनी चाहिए, एक भी सरदार खुल के खड़ा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन तो ये हम बात करते हैं, क्यों जो राजीव प्रताप रूड़ी ने, अगर मैं कानून की धज्जियां उड़ाता हूं, नहीं सर, जो राजीव प्रताप रूड़ी कह रहे हैं तारिक फतेह, उसमें इसलिए मुझे हकीकत या सच नजर आता है क्योंकि एक मॉड्यूल है। आपके साथ दिक्कत पता है क्या है, आपके 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 लिए ना, आपका धर्म देश से बड़ा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आपका धर्म आपके देश से बड़ा है, बोलिए पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ बाद में मुसलमान हूँ, बोल सकते हैं बोलिए पहले मैं हिंदुस्तानी बाद में मुसलमान, सिख ईसाई का अपमान करते हैं, कमाल हो गई आपकी, नहीं बिट्टा ने सिख कौम का प्रचार किया, बिट्टा ने कौन सा गलत किया, दोनों क्या गलत किया, बम खाए थे बिट्टा ने, जब बम खाए थे हिंदू मुसलमानों सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा था तब बम खाए थे, बिट्टा एक भारतीय है, बिट्टा एक भारतीय है, नाटक करते हैं, बिट्टा एक भारतीय है, आप बिल्कुल आप देश के दुश्मनों की बात करते हैं, आप देश को तोड़ने की बात करते हैं, आप देश के दुश्मनों की बात करते हैं, आप कैसे कह दिया मैं सिख कौम वाला, कैसे कह दिया आपकी कौम के नेता, हमें धर्म बड़ा है देश, यही तो पूछा था, चले छोड़िए कादरी साहब, कादरी साहब छोड़िए सर, देश हसरा अलीमुद्दीन साहब, क्या कर रहे हैं आप, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा धर्म बड़ा या देश, आप उसी में कंफ्यूज हो गए, कहिए देश बड़ा, देश से ऊपर कुछ है क्या, देश से बड़ा कोई, धर्म बड़ा है देश, खादरी साहब आप ही समझा दीजिए अलीमुद्दीन साहब को।